आज मैं यही की सवाल पूछना चाहता हूं हमारे भाई असदुद्दीन ओवैसी से, आप अगर सेक्युलर हो, अगर आप माइनॉरिटी के मुद्दों पे अगर बात करने वाले हैं और मोदी से खतरा है माइनॉरिटीज को, तब आप किसके साथ रहना चाह रहा है? इसीलिए हम सवाल उठा रहे बार बार, इसीलिए हम माइनॉरिटी लोगों को जो हमारे आंखों के सामने हो रहा है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, हम बोलने के लिए, समझाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आज के तारीख में ये तीन इकट्ठा होकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के क्या मजबूरी है हमको पता नहीं है, उनका मजबूरी क्या है? तो जनता के मजबूरी से कुछ पार्टी का, पार्टी सदर साहब का मजबूरी से कोई लोग सोचते नहीं। हम लोग दावत देने का जरूरी नहीं है, पूरा तेलंगाना जनता ने, हाँ अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ नहीं नहीं अभी भी हम लोग यही बात कहने के लिए कोशिश कर रहा है, याद दिलाने के लिए हम कोशिश कर रहा है। जो आदमी नरेंद्र मोदी जी के साथ राज्यसभा लोकसभा में वोट देते गए लगातार, वो आदमी के साथ कैसे एमआईएम पार्टी आने वाले चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ेंगे? आज साफ साफ कुल्लम कुल्ला हो गया, पानी का पानी, दूध का दूध अलग हो गए। बीजेपी बीआरएस इकट्ठा आगे आने वाले चुनाव लड़ने वाले, वही नरेंद्र मोदी जी ने कल दिखाया था।